स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान कांग्रेस ने इसराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने के अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। इस पर रिएक्शन देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर आतंकवाद और आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगाया है, जबकि बेकसूर लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस रुख के साथ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। कांग्रेस देश और उसके नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी जब वो खुले तौर पर हिंसा के साथ खड़ी है। बता दें कि जंग शुरू होने पर भारत सरकार ने 7 अक्टूबर को इजराइल का समर्थन किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि संकट की घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।